बहुत बढ़िया रहा एक्सपीरियंस, बहुत टफ था, ग्रूलिंग था. मिर्ज़ापुर बनारस की गर्मी में जूझे थे पूरा. स्क्रिप्ट बहुत लेयर्ड है, कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मज़ेदार है. बट सारी चीज़ों के बाद जो रिएक्शन, जैसे आप कह रहे हैं, ऑडियंस से जो मिल रहा है ट्रेलर का और जो स्क्रीनिंग हुई है देख के, वो सब वर्थ इट है और हम बहुत खुश हैं. नहीं नहीं सेम, नथिंग टू ऐड. तो मुझे ट्रेलर से मुझे ये भी चीज मालूम पड़ रहा है कि काफी वर्कशॉप किया है आप लोगों ने उस जगहों को लेकर, वहां की लैंग्वेज को, वहां की. तो अपने से कोई आता है वहां से? जी पुनीत जो मेरे को क्रिएटर हैं और उनके भाई विनीत जो को राइटर हैं हमारे, वो वहां से हैं. वो आई थिंक बड़े हुए हैं वहां पे, काफी टाइम स्पेंड किया. मेरे पेरेंट्स बिहार से हैं तो हम काफ़ी फेमिलियर हैं इस जगह और मिलियू से. और हमारे एक्सपीरियंसेस जो हम कहानियाँ हम सुनते आए हैं, मतलब वो सब कंबाइन करके राइटर्स रूम में बैठ के हमने ये आइडिया सॉर्ट ऑफ सोचा था एक, और कि एक स्मॉल टाउन का स्टोरी बताते हैं लेकिन वो थोड़ा पेपर करते हैं जो हमारे इन्फ्लुएंसेस रहे हैं लाइफ में, जैसे वेस्टर्न्स हैं, जैसे टैरेंटिनो के फिल्म्स हैं. सो टू कंबाइन दोज टू वर्ल्ड्स एंड क्रिएट, मतलब एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स आउट ऑफ दैट. जी आप बताइए कि कैसा वर्कशॉप आपका, एंड जब आपको बताया गया कि ये फिल्म डायरेक्ट करनी है और इस तरह की स्क्रिप्ट है, कैसा था आपका वर्कशॉप? आई थिंक जो एक तो बहुत बड़ा एडवांटेज ये रहा कि जो एक्टर्स हमारे कास्ट हुए थे वो सारे ही बहुत मेहनती और बहुत ही क्या कहते हैं, मंझे हुए एक्टर्स थे. तो उनको जब वो मटेरियल मिला तो उन्होंने भी अपनी तरफ से भी एक बहुत एक एफर्ट किया. डेफिनेटली वर्कशॉप्स हुए, जैसे करण ने बोला, जो हमारे को क्रिएटर हैं पुनीत कृष्णा जो है, बहुत क्रेडिट उनको भी जाएगा लैंग्वेज को लेके, न्यूएंसेस को लेके. उन्होंने भी बहुत एक वॉचफुल आई रखा. ही वॉज ऑलवेज देयर एक्टर्स के लिए भी, जो एक बाउंसिंग बोर्ड था. एंड आई थिंक वो डिटेलिंग जो है वो दिख रही है, आई थिंक वो लोगों को पसंद आ रही है डेफिनेटली उस जगह की, उस एरिया की. काफ़ी सारे एक्टर्स भी क्लोजली उस वर्ल्ड से उन्होंने भी वो देखा है, जैसे पंकज जी हैं वो भी पले बड़े हैं वहाँ पे. अली बहुत लोग जानते नहीं है बट अली लखनऊ में पला बड़ा है, तो अली को वो लैंग्वेज, वो लहजा आता है. विक्रांत ऑल्सो ही इज़ मतलब नॉर्थ में, ही इज़ ग्रोन अप, उसने वो चीज़ें देखी हैं. श्वेता है, आई थिंक श्रेया एक ऐसी वन ऑफ आर लीड कैरेक्टर्स थी जो शायद उस दुनिया से बाहर की हैं, तो वो महाराष्ट्रन है बट शी इज़, उन्होंने बड़ी एफर्ट की, उन्होंने डायलेक्ट पे बहुत काम किया. एंड बिल्कुल मतलब सीमलेसली आपको पता नहीं चलेगा कि वो वहाँ की है नहीं या उस वर्ल्ड में नहीं है. तो आई थिंक बहुत क्रेडिट ऑब्वियसली एक्टर्स को खुद को भी जाता है फॉर देम पुटिंग इन ऑल द हार्ड वर्क और जो भी प्रेपरेशन उन्होंने किया. एंड एक कलेक्टिव टीम एफर्ट था सबका, हर डिपार्टमेंट, जैसे आर्ट डिपार्टमेंट ले लीजिए, जो जो काम किया उन्होंने, जो वर्ल्ड सेटअप करना था उनको वहाँ पे, तो काफ़ी हद तक हमने सब रियल लोकेशंस पे शूट किया है मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर में जाके शूट किया है, कालीन के फैक्ट्रियों में शूट किया हमने, घरों में. और लेकिन जो स्टोरी का रिक्वायरमेंट था उन्होंने जैसे वो ट्रांसलेट किया है, मतलब वो प्रोडक्शन डिज़ाइन में या द वे शॉट इट, तो कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट जो उन्होंने काम किया, वेरी रियल बट एट द सेम टाइम यू नो जस्ट इनफ ड्रामा इन ईच ऑफ दीज थिंग्स. सो ये सब जैसे उम्मीद कह रहे थे कि कलेक्टिव कोलैबोरेटिव एफर्ट रहा है हमारे ओर से, और इट्स कम टुगेदर वेरी नाइसली इन अ वेरी मतलब पोएटिक मैनर. जी गुरमीत जी, जैसा कि आपने बताया भी और हम सभी जानते हैं कि ज़्यादातर एक्टर वहीं से आते हैं, पंकज त्रिपाठी की बात करूँ, अली भी वहीं से लखनऊ से हैं, श्वेता त्रिपाठी जो, कितना कन्विंस था आप लोगों के लिए पंकज त्रिपाठी इन सभी को बताना और कि भाई इस तरह की स्क्रिप्ट है और इसी तरह कि डायलॉग डिलीवरीज, गाली जो गाली का जो अंदाज है, जो जिस तरह की गन चल रही है, कितना कन्विंस था आप लोगों के लिए स्टार कास्ट के साथ में सब कुछ करना? ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं करना था उनको, हमने उनको स्क्रिप्ट दिया और उन्होंने सब लोगों ने बहुत ही मतलब पॉजिटिव रिएक्शन दिया पढ़ के कि ऐसा तो करना चाहिए हमें, ये काफ़ी यूनिक चीज़ है, ऐसा कभी हमने देखा नहीं है जो एक इंडियन प्रोडक्शन से जो निकल रहा है. और उसके बाद जो उन्होंने किया स्क्रिप्ट के साथ जब शूटिंग करते समय, तो मतलब वो तो नेक्स्ट लेवल हो गया हमारे लिए. तो ओवरऑल कितने पार्ट होंगे कुल, क्योंकि इससे पहले हमने देखी थी इनसाइड एज, बहुत ही अप्रिसिएट की गई, हम लोगों को काफ़ी पसंद आए थे, इसके कितने पार्ट होंगे?
मतलब ये अभी 9 एपिसोड हैं, फिर सीजन 2 का भी हो सकता है मोस्टली। मतलब हमेशा माने की तैयारियां चल रही है, मतलब हम सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है इनके बारे में। तो हमेशा माने कि अब कंटिन्यू आप लोग वेब सीरीज की दुनिया में अपने ये एक सिक्का जमाना चाहते हैं, क्योंकि इनसाइड एज देखी हर किसी को पसंद आई, चाहे वो किसी भी एज का मेंबर हो। तो अब नाउ मिर्ज़ापुर, तो हमेशा माने की वेब सीरीज की दुनिया में अब आप लोग अपना बिल्कुल बहुत मज़ा आ रहा है हमें, बिकॉज हमें एकदम फ्रेश स्टोरीज बताने का मौका मिल रहा है जो सिनेमा में काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है, तो 2 घंटे के फॉर्मेट में, जो यहाँ पे हम लंबे स्टोरीज, लंबे कहानियाँ, जो किरदार जो हैं हमारे 8-9 हो सकते हैं, सिर्फ एक हीरो नहीं है, और उनका जो ग्राफ है कहीं मतलब वो रेजोल्यूशन होने का ज़रूरत नहीं है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट सीज़न। तो ये सब एडवांटेज है, हमें बड़ा मज़ा आ रहा है ये करने में, ये फॉर्मेट बिल्कुल। और बहुत सारी वैरायटी एक ही सब्जेक्ट में आप अप्रोच कर सकते हो, फिल्म में आप थोड़ा बाउंड बाय टाइम और एक नैरेटिव स्ट्रक्चर को लेके होते हो, पर यहाँ पे आप हर चीज़ अप्रोच कर सकते हो, एक कैरेक्टर का मतलब ह्यूमर, उसकी ट्रेजेडी, उसका ड्रामा। कह रहे हैं एकदम सही बात है, जैसे मिर्ज़ापुर कोई लोग सोचेंगे कि बहुत ही कुछ डार्क ड्रामा टाइप है, लेकिन काफ़ी ह्यूमर भी है, लेकिन एक्शन थ्रिलर भी है। उसका USP हमारे लिए तो मतलब लिखते समय से अभी तक एक्शन ही रहा है, लेकिन ऐसा इट्स टर्न्ड आउट कि वो काफ़ी ड्रामा भी है, थ्रिलर भी है, मिस्ट्री भी है, वो जो कहते हैं ना ये भी है वो भी है, वो लिटरली सब कुछ है, लेकिन वो मसाला पॉइंट बॉलर फिल्म नहीं है। It's still a very nice, मतलब global sort of entertainment thing that we have made. Hello, మిమ్మల్ని YoYo TV app download చేసుకున్నారా? ఇంకా లేదా మీ app store కి వెళ్లి వెంటనే download చేసుకోండి. ఈ వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.